बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग खुशहाल होंगे और अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तीन आसान वज़ायफ़ और तीन बड़े फ़ायदे, और फजर की नमाज से फारिग होकर इसी नीयत पर सूरत शूरा की आयत नंबर 19 70 मरतबा दाया हाथ के पोरों से गिनो, रिज्क की तंगी नहीं देखोगे। सूरह निकलने के बाद जब अच्छी तरह शुआएं फैल जाएं, यानी चार रकात पढ़ो, पहली में सूरतुल शम्स, दूसरी में सूरतुल लैल, तीसरी में सूरतुल वज़्ज़ुहा, चौथी में अलम नशरा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा अता करेगा। मगरब के दो सुन्नतों के अलावा छेर का दो दो करके पढ़ो अबाबीन। तमाम मुरादें दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। रात को सोते वक़्त सूरतुल मुल्क अलफ लाम मीम पढ़कर घरेलू परेशानियां हो तो घर की ख्वातीन को सूरतुल वाक़िया पढ़वाओ। बीमारियों के लिए सूरतुल तगाबन पढ़ो। ये सब खजाएं अल्लाह ने हमें नसीब की हैं। हमें मखलूक की दीनी रहनुमाई ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।